एक्साइटेड है फिल्म को लेकर? जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि दो साल से हमने इस पर रिसर्च करा है और फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है आज मैं फिल्म देखने आ रहा हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, काफ़ी क्यूरियस भी हूँ क्योंकि फाइनल कॉपी हो चुका है तो, और पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आज पहली बार देख रहा हूँ। फिल्म रिलीज हुई थी एक सप्ताह से बहुत लेट थी, तो फिल्म के यू नो जैसे फिल्म पास आ जाए और भी लोगों में क्यों सके, तो फिल्म की अगर बात करें तो बहुत सारे चेंजेस होते चले गए। फिल्म जिस तरह से बनी थी उसके बाद से कभी नाम को लेकर जी बहुत चेंजेस, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस पर फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक ऑडियंस को ये फिल्म मेरे हिसाब से बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स है, कमर्शियल फिल्म है ये, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इसके अलावा ये फिल्म बहुत ही इसमें काफ़ी गाने हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा है, ये गैंगस्टर्स की फिल्म है, लेकिन मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में और कभी भी आप देखिए गैंगस्टर्स सबसे ज़्यादा सिक्युलर होते थे। इसमें मैं हिंदू, मेरा सबसे जो भी दोस्त मुसलमान है, तो एक दूसरे की जो जुगलबंदी है इसमें, ये फिल्म में बहुत सारे एडवांटेजेस है और ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगी। और मेरे हिसाब से जैसे जीतू जी ने ये फिल्म देखी कल और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा ये फिल्म औरतों को, मेरे जहन में था कि औरतों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरी जो वाइफ है मिसेज शोभा कपूर, उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एनकरेजमेंट कि एक वुमेन ऑडियंस को भी ये पसंद आएगी ये फिल्म। एक तरीके से मराठी मुलगा है ऐसा मला गर्व है।